अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सर जी, आपका भरोसा ही तो मेरी ताकत है, और आप ही मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। मैं आपसे सिर्फ बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी सफाई पेश करने का मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ना। मैं मानती हूँ आपके गुस्से को समझती भी हूँ, पर जब आपको सच्चाई का पता चलेगा ना, तो आप अपने इस बर्ताव पर जरूर पछताएंगे। पछतावा तो मुझे उस दिन का हो रहा है जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी और तुम्हें इस परिवार की बहू बनाकर लाया था। एक बात कही थी मैंने तुमसे, एक बात, कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपनी मॉम के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। पर इतनी सी बात नहीं मानी गई ना तुमसे। मन तो इतना कर रहा है कि जितना दर्द तुमने मेरी मॉम को दिया ना, उतना ही दर्द मैं तुम्हें भी दूं। लेकिन नहीं, मेरी मॉम ने मुझे हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाया, और जिस माँ ने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी है, तो उसी माँ के खिलाफ बोल रही हो वो भी ये सब कुछ। कभी कभी सबसे करीबी रिश्ते ही ना सबसे ज्यादा दर्द दे जाते हैं, और उस दर्द को इस पल महसूस कर रही हूँ। और मुझे डर है जब आपको सच्चाई का पता चलेगा ना, तो यही दर्द आप भी महसूस करेंगे। किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम? कौन सी सच्चाई? आज मैं तुम्हें मौका देता हूं, बोलो जो बोलना है तुम्हें। सच्चाई ये है सर जी की ये लड़की कहीं आंसू बहाकर तेज को अपनी बातों में ना फंसा ले। अच्छा ये है सर जी की मम्मी जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर जी, सच में मम्मी जी ने खुद मुझे वीडियो कॉल किया था और वो बताया था कि वो बॉम वाली जैकेट उन्होंने पहनी है। तभी तो मैं दौड़ी दौड़ी उनके पास वहाँ पहुँची थी, क्योंकि मुझे आपके जान की फिक्र थी। बस बंद करो दाची ये कहानियां बनाना प्लीज। कहानियां भी तो तुम कैसी बना रही हो हा? कि मॉम बॉम्ब का जैकेट पहनकर तुम्हारे पास आई थी। मॉम क्या है, क्रिमिनल है, कोई टेररिस्ट है जो बॉम्ब का जैकेट पहनकर आई है? प्लीज ये कहानियां बनाना बंद करो, वरना तुम पूरी तरह मेरी नजरों से गिर जाओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे यकीन। कोई जरूरत नहीं है। देखा, इतना हाथ पैर मारने के बावजूद तेज का भरोसा बदल नहीं पाया। ऐसा है मेरा तेज। एक एहसान तुम मुझ पर कर सकते हो दालचीनी प्लीज। मैं आप पर कैसे एहसान कर सकती हूँ क्या बोल? कि तुम अपना मुंह बंद रख सके। आज के बाद तुम अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहोगी। जब भी मैं तुम्हारे कभी भी आस पास हूँ, समझ लेना की तुम्हारा मौन व्रत चल रहा है। का
अगर तुमने एक और शब्द कहा ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, समझे? कैसी बातें कर रहे हो? क्या चल रहा है बेटा? ये चोट कैसे लग गई तुझे? डोंट टेल मी कि तुम बाहर वाली चीज पर अभी भी लड़ाई कर रहे हो। तुझे पता है ना कि मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती, मैं टूट जाती हूँ। भगवान करे तेरी सारी तकलीफें मुझे मिल जाए। और बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयां हो रही है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की खुशी के लिए मैं यहां से चली जाऊं। अगर मेरे बच्चों की खुशी के लिए मुझे यही कीमत चुकानी है तो यही सही बेटा। नहीं, मुझे जाने दे। सुन, मैं सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। प्लीज मेरी वजह से इतनी तकलीफ मत सहना बेटा। नहीं, जाने दे मुझे प्लीज। मॉम, नहीं मॉम, नहीं मॉम, सुनिए मेरी बात मॉम, प्लीज मॉम, मेरी बात तो सुनिए। आप एक बार क्या कर रही हैं मॉम? तेज प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी है बेटा, मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज प्लीज एक बात सुनिए, मेरे रहते हुए आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, ये घर आपका है। मॉम, अगर आप यहाँ से चली गई तो एक घर बिखर जाएगा पूरा। कुछ नहीं होगा इस घर को, इस घर को मेरी जरूरत नहीं रही है। नहीं नहीं मॉम, ऐसा मत बोलिए प्लीज प्लीज, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 7:30 बजे। राजधानी, अब क्या हुआ पुत्र? होने के लिए बाकी क्या बचा है दादी? दुनिया में मुझसे ज्यादा बदकिस्मत मां नहीं होगी आज। मॉम, मॉम क्या हुआ आपको? आई थिंक हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मॉम, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू अपनी माँ के लिए सचमुच कुछ करना चाहता है ना, तो जस्ट लेट मी गो प्लीज प्लीज, मैं फैसला ले चुकी हूँ प्लीज, मुझे बस जाने दे बेटा। तू मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं इस इत्मीनान के साथ जाऊंगी कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का घर आबाद हो गया। नहीं 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 मॉम, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी जरूरत नहीं है बच्ची, कैसी जरूरत नहीं है? मैं कितना ही सच क्यों ना बोलूं, लेकिन दालचीनी के मन में मेरे लिए जो शक है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मैं कोसती हूं उस दिन को जिस दिन रूपा और करण ने मेरी बेटी जैसी बहू के दिल में मेरे खिलाफ जहर घोल दिया। दुनिया की कौन सी माँ ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसके बच्चों के बीच में लड़ाई उसकी वजह से हो? आज तुम दोनों के बीच में कहाँ सुनी हुई है? कल अगर तू मुझे आकर बोलेगा मॉम मैं दालचीनी को डिवोर्स देना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूंगी? इसीलिए बेटा बेहतर होगा कि मैं यहां से चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के तलाक का कारण नहीं बन सकती हूं।
राजानी, कहीं नहीं जाएगी तू, इस घर की आत्मा है सुपुत्र। दुनिया से सोच भी कैसे लिया कि हम तेरे बगैर रह लेंगे। रही बात तेज और दालचीनी की, तो इनके रिश्तों में ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। इस वक्त ये दोनों आपस में नाराज हैं, पर मैं जानता हूं पुत्र कि तेज दालचीनी से कितना प्यार करता है। मुझे पूरा भरोसा है तेज पर कि उसके दिल में तलाक नाम का कभी ख्याल भी नहीं आएगा। दालचीनी पुत्र, पराए लोगों की बातों में आकर इस तरह अपनी ही मां पर शक करना बहुत ही बुरी बात है। गलती की है तो उसका सुधार करने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजरानी इस घर की सबसे बड़ी बहू है और ये मेरा हुक्म है कि आज के बाद तुम इज्जत से पेश आएगी। ये तो बाजी पलट रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है मेरा। दालचीनी, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर आज के बाद एक और इल्जाम तुमने मॉम पे लगाया ना, तो मैं दारजी के उसूलों के खिलाफ जाकर तुम्हें तलाक भी दे सकता हूं। क्योंकि अगर मेरी अपनी बीवी मेरी मॉम की इज्जत नहीं करेगी ना, तो मैं उसे डिवोर्स देने से नहीं कतराऊंगा। अब आ रहा है ना खेल में मजा। तेज ने तुझे मौन व्रत देकर मेरा काम और आसान कर दिया, इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज रात तक तेज का साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर तेरे हाथ में होगा। आप चाहे जितनी चाल चल ले मम्मी जी, दुनिया की कोई ताकत तेज सर जी और मुझे अलग नहीं कर सकती। दालचीनी, तुम्हें मेरे बारे में एक चीज पता है, मेरी मॉम के अलावा आज तक मैंने कभी भी ना किसी पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया, बस सिर्फ तुम ही जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। That's why I love you so much। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका ये भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, और उसके बाद आप जानते हो कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता तुम क्या कहना चाहती हो, क्योंकि क्या है ना, मुझे अनक ही बातें समझ में नहीं आती है, तो बोल के बताओ। हाँ ठीक है, आई लव यू 2, 3, 4। आखिर मेरे भरोसे को तोड़ ही दिया ना तुमने दाची, क्यों मेरे प्यार की ऐसी सजा दी तुमने मुझे? मेरी मॉम जिसने तुम्हें इतना प्यार किया, अपना सब कुछ माना, उन्हीं के साथ तुमने ऐसा किया। उन्हें अपाहिज बनाने वाली आपकी अपनी मां ही थी,
बार जब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी जिंदगी की परीक्षाएं खत्म हो गई है, आप एक नई परीक्षा लाकर खड़ी कर देती हैं। आज तो मुझे अपने नसीब पर ना बहुत गुस्सा आ रहा है। आज तक माँ, आज तक मैंने कभी अपने नसीब को नहीं कोसा, और आज ना सच में लग रहा है कि शायद मैं दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की हूँ। मेरे और मेरे सुहाग की रक्षा करकर साबित कर दो कि मैं बदनसीब नहीं हूं। गलत साबित कर दो। आपकी मां ने आज बीजी की जान लेने की कोशिश की है। 25 साल पहले भी उन्हें अपाहिज बनाने वाली आपकी अपनी मां ही थी। मम्मी जी मुझसे दुश्मनी निभा रही है, मुझे गलत साबित करने के लिए ये सब कर रही है। तेज काफी गुस्से में लग रहा है दीदी के कारण। मौका, यही तो मौका है तेज के करीब आने का। हेलो, अगर मैं तेज सर जी से दूर हो गई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सर जी को मेरी झोली में फिर से डाल दूंगा। मैं वादा करती हूँ, मैं उसके बाद आपसे फिर कुछ नहीं मांगूंगी, पक्का। क्योंकि अगर मेरी अपनी बीवी मेरी मॉम की इज्जत नहीं करेगी ना तो मैं उसे डिवोर्स देने से नहीं कतराऊंगा। बेहतर होगा कि मैं यहां से चली जाऊं। मैं अपने बच्चों के तलाक का कारण नहीं बन सकती हूं। फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तेज, तेज, हम लोग ठीक हैं? तेज, तुम ठीक तो ना? उठो, उठो। हाँ, आना नो क्या मुके वेट। तुम कहाँ से भागे चले जा रहे थे? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अलग कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे? I'm fine, I'm okay. अरे भैया कुछ नहीं हुआ, लड़की ने बचा लिया। तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है, कहां से ठीक हो तुम? रुको, मैं तुम अब ठीक फील कर रहे हो? Yakal, I'm fine. Thank you so much. तेज, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दीदी चाहती क्या है, क्या करने की कोशिश कर रही है। एक तो उसके कारण वैसे ही पूरा घर परेशान है, और मुझे पता है तुम भी परेशान होकर घर से निकले थे ना यू जॉगिंग करने, है ना? तेज, तेज मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस हाल में। पता कला, आज पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे कभी दालचीनी से शादी करनी नहीं चाहिए थी।
मेरी सबसे बड़ी गलती थी। भाभी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों? दीपक तुमने तेज सर जी को कहीं देखा? नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ है। दीपक मीरा उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है, फोन भी नहीं उठा रहे वो। भाभी मुझे कला भी यहाँ पे नहीं मिल रही, मैं उसी को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था। एक काम करता हूँ मैं उसका फोन ट्रैक कर लेता हूँ, और हो सकता है शायद तेज भाई और कला साथ में हो। तेज प्लीज, तेज तुम परेशान मत हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और तुम्हें पता है कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। कला एक सेकंड, ये जो तुम कर रही हो ये सब ठीक नहीं है, प्लीज प्लीज। सॉरी, ये तो बस शुरुआत है, अब देखना धीरे धीरे मैं कैसे तुम्हारा भरोसा जीत के तुम्हें अपना बनाती हूँ। तेज आई थिंक हमें अब घर चलना चाहिए। Let's go. क्या हुआ कला, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। ओके कम, कहाँ ठीक हो तुमसे चला भी नहीं जा रहा है। अच्छा